हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पुलिस पॉइंट पर। मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम पैन कार्ड के थ्रू हमारा गूगल एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करवा सकते हैं। तो ये इंटरफेस आप सभी जानते होंगे यदि आप यू एक यूट्यूबर हैं तो, कि हमारा डैशबोर्ड होता है और ये आपका क्रिएटर स्टूडियो बेटा का इस तरह का डैशबोर्ड है और यहाँ पर आपको जाना है मोनेटाइजेशन पर। उसके बाद आपको सी मोर पे क्लिक करना है। आप ऊपर जो एक पट्टी दिख रही है ऊपर ब्लू वाली, उस पर जाकर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास अभी नोटिफिकेशन आया था ऊपर, उसमें लिखा था कि आप अपना मोनेटाइजेशन कंटिन्यू रखने के लिए इस पर क्लिक करें। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको गूगल एडसेंस में यहाँ पर भी दिख रहा था चैनल मोनेटाइजेशन में कि दिस इज़ रिक्वायर्ड रिसीव फ्यूचर पेमेंट एंड कंटिन्यू मोनेटाइजिंग। यदि आप नहीं करते हैं आपका आइडेंटिटी वेरीफिकेशन गूगल एडसेंस का, तो ये आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर देंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके जा सकते हैं या फिर मैंने आपको अभी जो प्रोसेस बताया उसके अनुसार आप जा सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको एडसेंस सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे उस पर, तो आपके पास गूगल एडसेंस का इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है ये $24 में हो चुके हैं, यानी कि $10 से ऊपर होंगे तभी आपके पास एक एक्शन बटन आएगा, ये आप सभी जानते होंगे। और आपका अमाउंट YT स्टूडियो से इस पर कब आता है, हर महीने की 11 तारीख को, यानी कि आपने पिछले महीने में जो भी अर्निंग की वो अगले महीने की 11 तारीख को ऑटोमेटिक गूगल एडसेंस में आ जाता है। वहाँ क्लिक करने के बाद में आप होम पे जाके एक्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप पेमेंट पर जाकर यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। तो यदि आप होम पे जाके एक्शन पे क्लिक करेंगे तो भी ऑटोमेटिक आपको पेमेंट पर लाकर ही भेज देगा। तो जैसे कि पेमेंट बाद में हमने यहाँ वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे और आपको एड्रेस वही डालना है जिस पर आपका पोस्टल यानी पिन कोड आ सके। फिलहाल हमें मेल आईडी के द्वारा एक मैसेज आएगा कि आपका वेरीफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, उसके लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं। अभी हम आपका बिलिंग एड्रेस वाला एड्रेस ये कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपका जो पिन वेरिफिकेशन वाला एड्रेस है वह आपका अभी वेरीफाई नहीं कर रहे हैं ना। अभी आपका ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि आप ये एड्रेस में जो है वो एक बार चेंज कर देंगे तो वो दोबारा आप चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी जो भी अभी आपको करना है यानी उसी के हिसाब से आपका इसमें एड्रेस करना है, जो कि आपके जो भी आप इसमें आईडी लगा रहे हैं। आईडी क्या लगा सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं अभी इसमें पैन कार्ड लगा रहा हूँ, आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं है इसमें। तो यहाँ पर मैं एड्रेस कर दूंगा पैन के एड्रेस के हिसाब से। तो पैन का एड्रेस के लिए आपको कैसे पता चलेगा, तो आपका पोस्टल एड्रेस जो आपने दिया है पैन कार्ड बनवाने के टाइम पे, कोई सी भी आपने आइडेंटिटी दी होगी एड्रेस के लिए, वही एड्रेस उसमें मेंशन रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो, और यदि आपको जानना है कि कैसे हम पिन कोड का एड्रेस पता करें, मतलब पैन कार्ड का आप एड्रेस पता करें, ये आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसमें आप बता दूंगा कि आप किस तरह से लॉगिन करके पता कर सकते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, उसमें मेन एड्रेस क्या है आपका पैन कार्ड में। तो ये मैं उसका एड्रेस बिल्कुल एज इट इज़ कर देता हूँ, जैसा कि मेरे पैन कार्ड में परमानेंट एड्रेस है। तो ऐसा करने के बाद में आपका पिन कोड वगैरह सब फिल कर देंगे कौन से स्टेट से हैं। उसके बाद आपको एक PDF या फिर JPG फाइल कंप्लीट करना है, जिससे क्या होगा, जिससे कि वो आपको इसमें अपलोड करना है। इसके बाद में आपके पास इस तरह का इंटरफेस रहेगा। यहाँ अभी आपको इसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो मैं इसकी साइज़ छोटा कर लेता हूँ, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे और पैन कार्ड की आपको किस तरह की कॉपी लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप सभी को थोड़ा अच्छा दिखाई दे। यहाँ से मैंने अपलोड पर क्लिक किया तो ओपन में आपने जहाँ पर फाइल में लोकेशन पर रखी है आपका पैन कार्ड वगैरह, वहाँ से आपको उठाना है। और जैसे कि मैंने इस तरह का ये बना रखा है, ये अब मैं इसको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह से साफ सुथरा बिल्कुल अच्छे से आपको इमेज या फिर PDF बनाना है। दोनों ही फाइलें ले लेगा। अभी हम इसमें JPG डाल के देखते हैं, यदि लेता है कि नहीं तो हम इसकी PDF बना लेंगे। PDF कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं आपको वीडियो, आपको आई बटन में दिख जाएगा, उसमें पूरी प्रोसेस है आप किस तरह से PDF के आगे पीछे का एक ही पेज पर कैसे बना सकते हैं, PDF इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, उसका वीडियो मैंने एक अलग से बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह का आप बना लेंगे, उसके बाद में आप इसको अपलोड कर देंगे। तो ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, वेट करना है ये ऐसे, उसके बाद में हम इसको सबमिट करेंगे जैसे ये अपलोड हो जाता है। तो ये पैन कार्ड दीपक जायसवाल इसमें लिखा है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, है ना। और हमने एड्रेस भी इसमें चेंज कर दिया जो कि पैन कार्ड के हिसाब का, जो आप वोटर आईडी लगाएं तो वोटर आईडी का एड्रेस लिखना है, आधार कार्ड लगाना ही नहीं है। उसके बाद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो उसका एड्रेस देना है, और वही आपके अकाउंट नंबर से मैच करना चाहिए ताकि पेमेंट आपके ट्रांसफ़र होने में कोई समस्या ना आए। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में ये हमें 1 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, पता नहीं कितनी देर बाद हमारे मेल आईडी पर हमें इन्फॉर्म कर देगा कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें लिखा है, जैसे लिखा हुआ कंप्लीट द प्रोसेस में टेक फ्यू डे, वी विल ईमेल यू द रिजल्ट। इफ़ यू आर अनेबल टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी यू विल नीड टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट अगेन। यदि ऐसा नहीं होता है कि हम वेरीफाई नहीं कर पाते तो हमें दूसरा को डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। यू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आपके पास कुछ लिमिटेड नंबर ही है ऐसा करने के लिए। ठीक है, तो हम गोटिट पर क्लिक कर देंगे और अब हमें मेल का वेट करना है।
तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आएगा। यदि आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अभी आपको बता दूंगा कैसा लिखा गया है इसमें। देखो, योर आइडेंटी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, प्लीज़ फॉलो अ फ्यू डेज। तो जैसे ही मेरे पास मेल आएगा, जैसे अभी आपको डिस्प्ले दिखाई दे रही होगी, जिस डिस्प्ले में देखो मेल आ गया है और इसमें लिखा हुआ है कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो।